शामिल हो गई। सो इस तरह की सुर्खी जो है वो मुजीबुर रहमान शामी साहब की इदारत के अखबार से ही मिल सकती है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अवार्ड्स उनके हाथों से। आपकी भरपूर तालियां। सो जनाब, फीमेल न्यूज एंकर अवार्ड, और शामी साहब का तो अपना नुक्ता नजर, वो तो अपनी जगह है। फीमेल न्यूज एंकर अवार्ड गोज टू आयशा यूसुफ। जोरदार तालियां आपकी खवातीन औजार। और अभी लाहौर में जब केक कटिंग सेरेमनी हुई, और अच्छा बहुत बहुत मुबारक। अच्छा एक कोई बात जल्दी से कह दो, अवार्ड पे फीलिंग क्या है जल्दी से? सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेल न्यूज एंकर अवार्ड, एंड द अवार्ड गोज टू द वेरी टैलेंटेड हसन महमूद। आज की केक कटिंग सेरेमनी में हसन और सादिया साथ थे। हसन बहुत 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 मुबारक हसन, ग्रेट वर्क, ग्रेट वर्क। बहुत मुबारक हसन जी। शामी साहब मौजूद हैं, तो अब जनाब जो कैटेगरी है वो है बेस्ट इंफोटेनमेंट शो। इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन भी हो, और इसमें जो अवार्ड जा रहा है एंकर के सिलसिले में, ये एंकर हो गई, ये एंकर्स के लिए भी एजाज की बात है। सुबह नूर के एंकर जनाब नजीर अहमद गाजी साहब। बहुत बहुत मुबारक सर, सर सलामत रहिए। और जनाब इसी के प्रोड्यूसर और इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर, सुबह नूर की प्रोड्यूसर किंजा अली। किंजा बहुत बहुत मुबारक आपको, और बड़ी सारी दुआएं आप समेटती हैं, और वो एक तरबियत का एक सिलसिला जिसका सुबह नूर से 92 का जब आगाज होता है तो वो कमाल होता है। और अब जो अगला शो है जी, एनालिस्ट बेस्ड शो, जिसमें जायजा पेश करने वाले मौजूद हों, और जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का तो मुझे लगता है कि कोई मुकाबिल नहीं है। दूर तलक रऊफ कलासरा आमिर मतीन। रऊफ साहब पहले आप तशरीफ लाइए। बल्कि जोड़ी साथिया आपकी भरपूर तालियों में। जी, और इस प्रोग्राम की मेजबान सरवत वलीम, तशरीफ लाइए सरवत। जी, और मैं इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अदनान राजा से भी दरख्वास्त करूंगा वो भी आए, ताकि पूरी टीम भी असेंबल कर जाएगी। और ये पूरी टीम का अवार्ड आमिर मतीन साहब का, रऊफ कलासरा का, सरवत वलीम आपका, और अदनान आपका, बहुत खूब। सो अजीब आग है, बल्कि शामी साहब के से जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पास जाऊं शायद को खबर ही निकल रहा है। अब सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो जनाब मुकाबिल की पूरी टीम को, उनके प्रोड्यूसर को, होस्ट को, रुख साहब आपको, अनुदीन आपको, बहुत बहुत
मुबारक। और अब अगला जो अवार्ड है उस अवार्ड के लिए मैं जिनसे गुजारिश करूंगा वो है दर्द दिल वाले आदमी हैं, बड़े कंसेंट्रेट और कम लोग होते हैं इस तरह जो सोचे, और पता नहीं मैं शायद ये कहूँ कि जर्नैलों में कम होते हैं तो शायद ये पता नहीं कहना सही होगा या नहीं होगा, लेकिन सर तशरीफ लाइए। जनरल खालिद मकबूल साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाए। हाँ जी, और टॉक शो, द बेस्ट टॉक शो, बेस्ट टॉक शो इज 92.8 सादिया अफजल। बहुत मुबारक सादिया। सादिया बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच सर। सर कुछ कहेंगे 92 के लिए? मेरे ख्याल में जो लोग सामने बैठे हैं इसमें शामी साहब के अलावा मैं बेशतर लोगों से उम्र रसीदा हूँ, और एक वक्त पाकिस्तान में जब ख़बर सुननी होती थी तो हम वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी या दूरदर्शन सुना करते थे, और मार्क टली जब कोई रिमार्क दे देता था तो पाकिस्तान में हलचल मच जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की नस्बत से आज पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत तरक्की की है, और आज लोग बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, जिसको मैं बहुत रोज़ाना गौर से पढ़ता हूँ नेट पर, उसके बजाय लोग मुल्की चैनल, मुल्की अखबारात को न सिर्फ पढ़ते और देखते हैं बल्कि वक़्त और इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और ये आप लोगों का मीडिया और इत्तला लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार है आप लोगों का। और इस सफ़र में 92 ने गना कदर खिदमात पेश किए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि आपके प्रोग्राम और इत्तला में मजहबी और अखलाकी इकदार, कौमी मफादात और माशरे और ख़ानदान